सो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है। मतलब प्लेसमेंट सीजन के बाद में जो ईयर वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स होता है वो स्टार्ट कर दिया मैंने। हर कॉलेज का जैसे ऐसे प्लेसमेंट आएगा मैं वीडियो बना के आपको दूंगा इसी चैनल पर। सो हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में ही आपको मिल जाएगा। तो ये VGTI कॉलेज का प्लेसमेंट है, मैं आपको ब्रांच वाइज प्लेसमेंट बताऊंगा और थोड़ा डेटा पढ़ के ही बताऊंगा। VGTI में टोटल 9 ब्रांचेस ये ऑफर्ड करते हैं और लास्ट में अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स कितना है? 71। हम इसको नहीं पकड़ेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस क्या है ये डेटा नहीं दिखाते हैं, सारे यही दिखाते हैं एलिजिबल वाला ही दिखाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्रांचेस हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इनएलिजिबल हैं प्लेसमेंट के लिए। ऐसा क्यों होता है? उनके बहुत सारे बैकलॉग्स आ जाते हैं मोस्ट प्रोबाबली, जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं होते हैं प्लेसमेंट के लिए। कुछ बच्चों का प्लस टू में 10th में परसेंटेज कम होता है इसलिए वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं बहुत सारे कंपनीज में प्लेसमेंट में बैठने के लिए। आप सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, आपने यूट्यूब पर रील्स पर शॉर्ट पर वीडियो देखा होगा, क्या यार परसेंटेज मैटर नहीं करता है, झूठ बोला था आपको उन्होंने, तो यहाँ मैटर करता है। सो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं अब कि नेक्स्ट देखेंगे कितना परसेंट बच्चों का जॉब लगा ब्रांच वाइज, ये है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर किस चीज़ का है भाई, यहाँ पर देखेंगे आप ये 83 है और 82 है। किसका? 82% है कंप्यूटर साइंस के बच्चों का, 82% जॉब लगा है प्लेसमेंट हो चुका है अब तक। 83% किसका है? आईटी का है, ये भी कंप्यूटर ही है। ओके नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक एक करके, अब देख लेंगे। हाईएस्ट तो हमने देख लिया, सेकंड हाईएस्ट भी देख लिया, वही चीज़ है। अच्छा सिविल का कितना परसेंट बच्चों का जॉब लगता है? 46% बच्चों का जॉब लगा है। इलेक्ट्रिकल का 64% बच्चों का जॉब लगा है। ई एक्स क्या है भाई यहाँ पर? ई एक्स देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दिया क्या? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ई एक्स पता नहीं कौन सा ब्रांच में डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है ये शायद इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो 59% ENTC क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसका 63% है। IT का बता चुका हूँ, मैकेनिकल का 63%, प्रोडक्शन का 26% एंड टेक्सटाइल का 31% बच्चों का जॉब लगा है। अब आइए थोड़ा देखेंगे हम हाईएस्ट पैकेज कितना लगा है कौन से ब्रांच का। तो यहाँ पर ढूंढो दो जगह बेस्ट दिखेगा, एक CSE का 57, IT का 50 लैक्स, ये LPA है लैक्स पर एनम है। सेकेंड हाईएस्ट पैकेज अगर बाकी ब्रांच का देखेंगे आप, ये है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ENTC का लगा है। उसके बाद मैकेनिकल का हाईएस्ट पैकेज 13 लाख है, प्रोडक्शन का 11.4 लैक्स है एंड टेक्सटाइल का 18 है। उसके बाद ई एक्स का आई गेस से खाली इलेक्ट्रॉनिक्स है, 23 लैक्स है हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, उसके हिसाब से हम ब्रांच को डिसाइड करते हैं कौन सा ब्रांच काफ़ी सारे बच्चे प्रेफर्ड करते हैं। तो आप देखेंगे एवरेज पैकेज यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा है, 20 लैक्स है, IT का भी अच्छा है, 18 लाख है, बाकी ENTC का 15 लाख है, 12 12 लाख है, सिविल का 7 है, मैकेनिकल का 9, प्रोडक्शन का 9, टेक्सटाइल का 12 लाख एवरेज पैकेज है। तो ये VGTI का पूरा प्लेसमेंट का सिनारियो था जो मैंने कोशिश करा बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से आपको बताने का। ऐसे ही मैं आपको एक एक करके दूंगा। तो अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, आपको सारे जो प्लेसमेंट के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे उनका अंग्रेजी कमज़ोर होंगे पहला, दूसरा बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको
जो पढ़ते तो हैं मार्क्स अच्छे नहीं आता। बहुत सारे बच्चे होंगे इनको पढ़ना समझ में नहीं आता कैसे पढ़ाई करें अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छे स्किल के लिए। ये तीनों का सलूशन इसमें है, स्पीक राइट रेट। ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है बिकॉज ये सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। ये प्रॉब्लम ज़्यादा कौन फेस करते हैं, जो अपना मीडियम चेंज करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में गया, किसी रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में गया, तो प्रॉब्लम उसको ज़्यादा आता है बिकॉज इंस्टेंटली सब कुछ अंग्रेजी हो जाता है और अंधेरा छा जाता है हमारे सामने, समझ में कुछ नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आप दूर कर सकते हैं 499 rupees को पे करके, इस प्रोग्राम में एनरोल करके। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक तो 100 rupees डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो 399 rupees में आपका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन यहाँ पा सकते हो। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।